करतारपुर साहब नेड़े दर्शन रिजोर्ट बनेगा, श्रद्धालुओं के रहने का इत्थे प्रबंध किया जाएगा। 5 मंजिला इस इमारत से 30 करोड़ PKR का खर्चा आएगा। सिखां दी सहूलत नूं ध्यान विच रखदिआं इह प्रोजैक्ट तैयार किया जा रहा है। रिजोर्ट विच बैठ के गुरु घर दे दर्शन किए जा सकणगे। रिजोर्ट विच इक मिनी सिनेमा, एक जिम होवेगा। रिजोर्ट विच घट्टो घट 10 सूट कमरे होणगे। रिजोर्ट तो श्री करतारपुर साहिब का नज़ारा भी देखा जा सकेगा। सैर सपाटा विभाग ने रिजोर्ट खोलन की इजाजत जिहड़ी इत्थे उह दित्ती है। 50 कमरों वाला यह दर्शन रिजोर्ट होगा तो सैर सपाटा विभाग को रिजोर्ट खोलन की इतने इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान की सरकार वालों सैर सपाटा विभाग को यह इजाजत मिली है। श्री करतारपुर साहब नेड़े दर्शन रिजोर्ट बनेगा। सिखों की सहूलत लिए रिजोर्ट बनाया जा रहा है। देश विदेश तो जो सिख संगत इतने पहुँचती है उन्होंने इस सहूलत होगी। तो अगले महीने तो इसकी शुरुआत हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की। तो उम्मीद यह की जा रही है कि 2024 के आखिर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो SGPC ने इस कदम की शलाघा की है। तो रिजोर्ट विच एक मिनी सिनेमा, एक जिम होगा, तो यानी कि तमाम सहूलत शमीला इतने मिलनगियां। श्री करतारपुर साहब नेड़े दर्शन रिजोर्ट बनेगा, श्रद्धालुओं के रहने का इतने प्रबंध किया जाएगा। 5 मंजिला इस इमारत से 30 करोड़ PKR का खर्चा आएगा। ते सिखां दी सहूलत नूं ध्यान विच रखदिआं इह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। रिजोर्ट विच बैठ के गुरु घर दे दर्शन किए जा सकणगे। रिजोर्ट विच इक मिनी सिनेमा, एक जिम होवेगा। रिजोर्ट विच घट्टो घट 10 सूट कमरे होणगे। रिजोर्ट तो श्री करतारपुर साहिब का नज़ारा भी देखा जा सकेगा। सैर सपाटा विभाग ने रिजोर्ट खोलन की इजाजत जिहड़ी इत्थे उह दित्ती है। 50 कमरों वाला यह दर्शन रिजोर्ट होगा तो सैर सपाटा विभाग को रिजोर्ट खोलन की इतने इजाजत मिल गई है। पाकिस्तान की सरकार वालों सैर सपाटा विभाग को यह इजाजत मिली है। श्री करतारपुर साहब नेड़े दर्शन रिजोर्ट बनेगा। सिखों की सहूलत लिए रिजोर्ट बनाया जा रहा है। देश विदेश तो जो सिख संगत इतने पहुँचती है उन्होंने इस सहूलत होगी। तो अगले महीने तो इसकी शुरुआत हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की। तो उम्मीद यह की जा रही है कि 2024 के आखिर यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो SGPC ने इस कदम की शलाघा की है। तो रिजोर्ट विच एक मिनी सिनेमा, एक जिम होगा, तो यानी कि तमाम सहूलत शमीला इतने मिलनगियां।